चल फिर चलो जी। जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि बैटरी के बारे में, कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी लगी होती है, जितने भी सारे एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर एक वीडियो बैटरी पर ज़रा बनाइए और मुझे उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज मैं आपको बैटरी के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आता है, किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन आए, चाहे ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, किसी भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, अगर उसके अंदर बैटरी की प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी बैटरी को कैसे रिपेयर करेंगे, या बैटरी से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आती है उनके बारे में समझेंगे, या बैटरी के अंदर का सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये सारी चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी के ऊपर मैं आपको स्पेशल आपको बताने वाला हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन बैटरी, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो मोबाइल फ़ोन में बैटरी के बारे में तो जानते हैं, बैटरी को चेंज करना जानते हैं, लेकिन चेंज कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, ये सारी बातें उनको पता ही नहीं होती। बैटरी के अंदर एमएएच क्या होता है, उन्होंने देख लिया 6000 mAh, 8000 mAh या 2000 mAh है, लेकिन एमएएच क्या है उनको पता ही नहीं। तो आज हम बैटरी के बारे में मैं आपको पूरा सब कुछ समझाऊँगा, और बैटरी के अंदर सेल कैसे बदले जाते हैं, और बैटरी के अंदर एक्चुअली बैटरी होती क्या चीज़ है जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ऐसे तो पूरा ये पूरा थोड़ी ना बैटरी है। आज हम पूरा इसके बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, कि जैसा कि आज सभी लोग, मैंने आपको और भी काफ़ी सारी वीडियो दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मुझे वीडियो आज का नहीं मिला हुआ है, मुझे जितना मैंने सीखा उतना समझ में आ गया है। तो ये अपना नंबर है 6391711711, इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कम्प्लीटली कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे पास कॉल करके एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और पूरा कोर्स आप अपने यहाँ से सीख करके जा सकते हैं। मेरे पास रहने वहने का सारा सुविधा सब कुछ दिया हुआ है, उसका कोई अलग से पैसा, कोई फीस चार्ज नहीं लगता। मुझे लगता है समथिंग 15-20 हज़ार रुपये के अंदर आप पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कम्प्लीट कोर्स आप सीख करके चले जाते हो। यहाँ पर आपको मैं OCA लेवल तक का, और आपका ICMMC लेवल तक का, और मोबाइल फ़ोन के अंदर सिमेटिक हो गया, बोर्नियो हो गया, इन सब चीज़ों से लेकर के आपको मैं पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग देता हूँ, ताकि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आए, दुनिया जान का आपसे मोबाइल फ़ोन रिपेयर ना हो तो समझ लीजिए कहीं से नहीं होने वाला। तो आप पूरा कंप्लीटली सीख करके ही जाएंगे। देखिए, मैंने बात कही थी बैटरी की, ये जैसे हमारे पास एक MI की मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, इस बैटरी में मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। ये बैटरी जो बनी होती है वो इस तरीके से बनी होती है। यहाँ बैटरी में क्या होता है, दो ऐसे पत्ते लगे होते हैं, इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। इसके अंदर क्या होता है, आपका बैकअप स्टोरेज होता है। यहाँ पर लिखा होता है जैसे 1800 mAh या 3400 mAh, यह बैटरी के सेल के ऊपर लिखा होता है। ये जो mAh होता है यह बैटरी की कैपेसिटी को शो करता है, कि बैटरी के अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना वोल्टेज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये हम सारा सब कुछ MH के अंदर हमारा स्टोर हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सेल। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा क्या होता है, माइनस। यहाँ पर आपका एक पत्ता लगा होता है इस तरीके से, ये पत्ते में सेल आपका यहाँ पर ऐसे जॉइंट होता है, फिर यहाँ पर आपकी लगी होती है IC। किसी फ़ोनों में तो बॉल वाली IC लगी होती है, किसी फ़ोन में यहाँ पर 6 टांग की IC लगी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लगा होता है पत्ता, इस पत्ते में अगर आप देखेंगे इस तरीके से बना होता है, इसमें एक साइड का हिस्सा क्या होता है, माइनस होता है, एक साइड का हिस्सा प्लस होता है, एक साइड का हिस्सा होता है जिसे हम लोग ID बोलते हैं, एक साइड का हिस्सा होता है जिसे हम लोग टेम्परेचर बोल देते हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि बैटरी ओवर टेम्परेचर लो, बैटरी नॉट चार्जिंग, बैटरी नॉट सपोर्टेड, बैटरी वोल्टेज हाई, बैटरी ड्यूरेबिलिटी, ऐसा कोई मैसेज आता है तो ये समझ लीजिए बैटरी हमारी ख़राब हो जाती है। और बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें क्या होता है कि बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। जब बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है तो आप कोई भी पुरानी मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है आप उसके अंदर का ये स्ट्रिप चेंज कर दीजिए। ये जो स्ट्रिप दिख रहा है ये आप स्ट्रिप चेंज कर दीजिए और आप समझ लीजिए आपकी बैटरी बन जाएगी। स्ट्रिप में क्या रहता है, मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आया और उस मोबाइल फ़ोन में सिर्फ आपको इसको MH का मिलान करना होता है। जैसे मेरे पास फ़ोन आ गया MI का फ़ोन आ गया 5 फ़ोन आ गया, एक दूसरा फ़ोन आ गया वो Y53 है,
अब मुझे 5A की बैटरी Y53 में लगानी है। हमने देखा कि 5A का जो MAH है वो भी 3400 mAh दिया हुआ है और जो Y53 का जो MAH दिया हुआ है वो भी ऐसे 3200-3000 या 3500 mAh दिया हुआ है। अगर उसके अंदर बैटरी फिट हो रही है तो हम लोग क्या काम करेंगे, उस बैटरी को निकालेंगे, उसके अंदर का स्ट्रिप उठा करके अलग कर देंगे, मतलब जो पत्ता बैटरी का पत्ता होता है उसको निकाल करके अलग कर देंगे और जिस मोबाइल फ़ोन में लगानी होगी बैटरी उसकी पुरानी बैटरी की स्ट्रिप को निकाल करके इसमें लगा देंगे और आपके मोबाइल फ़ोन में सेट कर देंगे, आपकी बैटरी चालू हो जाएगी, आपको फ़ोन चालू हो जाएगा। तो ये सारा सब कुछ आप इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सेल के 2 पॉइंट्स होते हैं, प्लस और माइनस, बस यही सेल अहम होता है। चाइना से जितने सारे लोग होते हैं सब लोग क्या काम करते हैं, 3000 mAh, 3500 mAh, 4000 mAh, 4200 mAh की अलग अलग सेल लाते हैं। वो सेल से क्या होता है, सेल को स्ट्रिप में जोड़ दिया जाता है और हर एक मॉडल की डिज़ाइन की अलग अलग बैटरी बनाई जाती हैं। मार्केट में सेल सबका समथिंग एक जैसा आता है, बस उसके सेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सेप साइज पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि मैं कहता हूँ 3000 mAh का सेल है और दूसरा सेल होगा 6000 mAh का, तो जाहिर सी बात उससे दुगुना होगा, उससे मोटा होगा, उससे बड़ा लंबा चौड़ा होगा, तो बॉडी में फिट करने में प्रॉब्लम आएगा। जब फिट करने में प्रॉब्लम आएगा तो दिक्कत होगी, हम लोग जबरदस्ती तो घुसेड़ नहीं देंगे, वहाँ से बैटरी तो लटका नहीं देंगे, फ़ोन के अंदर ही फिट करना है। तो आप उस सेल को प्रॉपर तरीके से आप उसके बराबर का लगाएंगे ताकि प्रॉपर उसमें फिट हो जाए। तो लगाना कैसे है, बस वही अपने 2 प्लस माइनस के पॉइंट्स होते हैं, उनको स्ट्रिप में जोड़ देना है और बैटरी को मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट कर देना, आपकी बैटरी चालू हो जाएगी। बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिनकी बैटरियाँ डेड हो जाती हैं, बैटरियाँ नहीं डेड होती, एक्चुअली उसके अंदर एक IC लगी होती है, यहाँ पर स्विच वगैरह लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, या फ़ोन खोलने में का हो यहाँ से पत्ता ही कट जाए तो हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन पर हम बैटरी की कनेक्टिविटी को दे देते हैं और हमारा फ़ोन पूरा क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, फ़ोन हमारा सही हो जाता है, बैटरी का बैकअप भी आ जाता है, फ़ोन भी काम करने लगता है, या स्ट्रिप चेंज करने से हम बैटरी को सही भी कर देते हैं। तो वही सारा सब चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है, आज हम प्रैक्टिकली इसे करेंगे। जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के डिफ़ॉल्ट वोल्टेज होते हैं 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट तक, वो बैटरी चाहे 3000 mAh की हो, चाहे 6000 mAh की हो, चाहे 10000 mAh की क्यों ना हो, उसका सेल जो रहता है वो बराबर वोल्टेज का रहता है। अब आज हम आपको बैटरी को पूरा एक करके डिटेल में हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। देखिए जैसे ये मेरे पास बैटरी है, हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले इस बैटरी को लिया, इस बैटरी को पत्ता को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, देखिए आप गौर से देखेंगे, सबसे पहले क्या करना, इस पत्ते को हमने ऐसे अलग किया, देखो अलग है, आसानी से अलग हो गया, ये चिपका होता है, आप इसे ओपन करेंगे, इस पत्ते को गौर से देखेंगे आप, देखिए इसमें ये स्ट्रिप निकला, ये सेल होते हैं, ये सेल के 2 पॉइंट्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पत्ते को आप पूरा पहले सीधा करिए, ये हमने पूरा सीधा किया, ये देखिए ये सीधा कर दिया। अब हमें क्या करना, देखना है इसके अंदर IC लगी होती है, अगर आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेस्ट लेंगे, क्या करेंगे, पेस्ट लेंगे। इसमें आप आयरन जो यूज़ करेंगे 25 वोल्ट के आयरन का जो इस्तेमाल करेंगे, आप सबसे पहले पेस्ट लेंगे, पेस्ट को क्या करेंगे, इस पर आप ऐसे लगा देंगे, जहाँ पर सेल की पीने होती है वहाँ पर पेस्ट को आप ऐसे लगा देंगे, ये पेस्ट को हम लगा देंगे। पेस्ट को लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, इस पर ऐसे रंगा लेना है, रंगा लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को ऐसे टच करेंगे, ये देखिए ये आपका बैटरी का हट गया, एक पॉइंट नहीं हटा, लग गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हट जाएगा। अब आपने एक तरफ का हटा लिया, अब आपको क्या करना है, फिर से रंगा लेना है, ये देखिए ये हमारा सेल अलग हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं सेल, बस यही मेन होता है। आप किसी मोबाइल फ़ोन में अगर बड़ा सेल लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो इस बात की आएगी कि फिर आप बोर्ड में फिट कैसे कर पाएंगे, सेट कैसे करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है, ये देखिए मैंने इसके दोनों पॉइंट को साफ़ कर लिया। अगर आप इस बात को देखेंगे तो ये सारी बातें बैटरी में लिखी भी होती हैं। अगर आप बैटरी में देखेंगे, एक तरफ एक पॉइंट प्लस होता है, एक माइनस होता है, अगर प्लस माइनस आपको नहीं पता चल पाता तो आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है B+, B+ का मतलब क्या होता है, बैटरी प्लस,
और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ बी माइनस, ये आपका 6-6 पिन का आईसी लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमने स्ट्रिप को ओपन कर लिया, और स्ट्रिप ओपन करने के बाद अलग कर दिया, ये हमारे दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो गए। अगर आपके पास कोई दूसरी ऐसी बैटरी होती है तो आप सेम बैटरी को निकालिए और बैटरी के सेल को निकालिए, बस सेल को लगा दीजिए। ये सेल के अंदर सिर्फ स्टिकर लगा है, बस यही स्टिकर MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये दुनिया भर का कहानी गिन रहा है, लेकिन जो मेन खेल होता है वो इस स्ट्रिप का होता है। इस स्ट्रिप को लगा दोगे तो 6A बन जाएगा, यही 7A बन जाएगा, यही 8A बन जाएगा, 9A बन जाएगा, लेकिन जिसका लगाओगे वो, ये इसी की वजह से इसके अंदर बैटरी के मॉडल नंबर चेंज होते हैं, BN34, BN35, BN36। हाँ, और एक बात ये भी रहती है कि इसके अंदर MAH होता है कि 3000 MAH, 3500 MAH, 4000 MAH, 6000 MAH, अलग अलग बैटरी का अलग अलग MAH आता है। आप क्या करेंगे, इसको दोबारा देख करके लगाएंगे, जैसे इसका लिखा बी प्लस और बी माइनस, मतलब ये प्लस वाला ये वाला माइनस वाला है। आप क्या करेंगे, आप मल्टीमीटर लेंगे। देखिए आपको मल्टीमीटर के द्वारा मैं आपको टेस्ट करके देता हूँ। मल्टीमीटर दीजिए सर को। जैसे देखिए ये मेरे पास मल्टीमीटर है, हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट किया। 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैटरी के पॉइंटों को चेक करेंगे। जैसे हमने एक पॉइंट को यहाँ रखा, यहाँ रखा, देखिए वोल्टेज बता रहा है। अगर हमने गलती से मान लिया उल्टा लगा देते हैं, तो उल्टा लगाने में होगा क्या, ये वोल्टेज निगेटिव में आएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान बन के आ रहा है, ये तो ये निगेटिव में आ रहा है, इसको लगाया तो हमने पॉजिटिव में, तो मतलब क्या, ये वाला पॉइंट प्लस है, ये वाला पॉइंट माइनस है। अब आप क्या करिए, इसमें प्लस को माइनस को माइनस पे टच करिए, ऐसे रखा आपने। आपने क्या करना है, प्लस को प्लस पे टच करना है, माइनस को माइनस पे टच करना है। हमने क्या किया, इसको लिया, इस पर ऐसे टच कर दिया, ये आपका टच हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लस, और इसको हमने टच कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस। प्लस माइनस को प्लस माइनस में हमने टच कर दिया। अब टच करने के बाद ये हमारा सेल क्या हो गया, लग गया, ये हमारी बैटरी बन गई। फिर से आपसे जैसे आपने किया था उसी हिसाब से इसको सेप दे दीजिए, ये पत्ता आपका सीधा आ जाएगा। देखिए मैं आपको इस पत्ते में दिखाता हूँ, इस पत्ते में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि ये लिखा होता है प्लस है, ये माइनस है, कौन सा ID है, ये बातें इसमें बैटरी के पत्ते में लिखी होती। देखिए जैसे देखेंगे TH लिखा है, TH का मतलब क्या होता है, थर्मिस्टर। TH का मतलब क्या होता है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मतलब टेम्परेचर वाला पॉइंट, और ये लिखा ID, तो ये ID है। अगर आप इधर का देखेंगे तो ये वाला पॉइंट प्लस है, अगर आप इसमें देखिए तो इसमें मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो डिटेल कैसे लिखी, ये पॉइंट क्या माइनस है, और डिटेल के बाद दूसरा पॉइंट लिखा है तो इसमें लिखा है ID, तो ये क्या हो जाएगा, ID, और एक में लिखा है TH तो ये हो जाएगा थर्मिस्टर, और एक में लिखा है प्लस। तो बैटरी में चार पॉइंट होगा, एक हो गया माइनस, एक हो गया ID, एक हो गया थर्मिस्टर, एक हो गया प्लस। अब इस हिसाब से आप बैटरी के जो चारों पॉइंट होते हैं उन चारों पॉइंट को आप जोड़ देंगे तो आपके बैटरी का काम हो जाएगा। जैसे देखिए अब क्या करेंगे, आपने बैटरी को जोड़ दी, अब आपको प्लस को प्लस वाले पर रखिए, अब माइनस को माइनस वाले पर रखिए, फिर देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखिए वोल्टेज आ रहे हैं, अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारी बैटरी लग चुकी है और सही भी लगी है, क्योंकि हमने प्लस को प्लस पर रखा है, माइनस को माइनस पर रखा है, तो सही वोल्टेज बता रहे हैं। अगर हम उल्टा रखेंगे तो देखिए नेगेटिव में वोल्टेज आएंगे, आ रहे नेगेटिव वोल्टेज। हम लोगों से गलती ऐसी हो जाती है कि मान लिया सेल बदलने में हमने मान लिया उल्टा सेल लगा दिया, और उल्टा सेल लगाने पर आप बैटरी के जहाँ पर प्लस माइनस लिखा है वहाँ पर प्लस माइनस पर रख करके पॉजिटिव नेगेटिव के वोल्टेज को चेक कर लें। अगर मान लिया आप प्लस माइनस पर न रख करके अगर वहाँ पर उल्टे वोल्टेज आते हैं, मतलब प्लस में प्लस को रखा, माइनस को माइनस पर रखा, अगर वोल्टेज नेगेटिव में आ रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आपने बैटरी के पत्ते को उल्टा लगा दिया है। जब बैटरी के पत्ते को उल्टा लगा दिया तो आपकी बैटरी काम नहीं करने वाली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी के सेल जो हैं प्लस माइनस उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको बैटरी के बारे में पूरा हमने समझाया हुआ है, आपको समझ में आया, जो समझ में आया आप इस चीज़ को नोट करिए, नोट करने के बाद इसको डिजाइन बनाइए, डिजाइन बनाने के बाद सर्किट को समझिए। अगर आपका बैटरी का आईडी का पॉइंट ख़राब हो जाएगा तो बैटरी का परसेंटेज लेवल सही से नहीं बताएगा, अगर आपका थर्मिस्टर का लाइन ख़राब हो जाएगा, थर्मिस्टर का प्रॉब्लम होगा तो वो आपको बताएगा, ये बताएगा कि बैटरी टेम्परेचर लो,
बैटरी ओवरहीट, बैटरी ओवर वोल्टेज, ऐसा कुछ ना कुछ आपको मैसेज एरर देगा। जब ऐसा मैसेज एरर देगा तो आप समझ जाइए कि आपको बैटरी का प्रॉब्लम है। पहले ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, पूरा सीधा सीधा बैटरी को बदल देते हैं, बैटरी रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते। आप एक काम करिए, अगर बैटरी का सेल अगर आपको टाइट नज़र आता है, सेल अच्छा होता है, तो फिर आप क्या करिए, उसको पहले के स्ट्रिप को रिपेयर करिए। अगर आपका स्ट्रिप रिपेयर करने से हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको बैटरी बदलनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। दूसरी बात क्या, मैं आपको बैटरी ख़राब होने के कई सारे कारण बताता हूँ। सही होने का तो एक ही कारण है कि बैकअप दे चले तो सही है। ख़राब होने का कारण होता है कि बैटरी अगर ढीली हो जाए, पिलपिली हो जाए, तो बैटरी ख़राब है। बैटरी अगर आप दबाने पर हल्का सा फूलने जैसा महसूस हो, पिलपिला रही हो, फूल रही हो, तो बैटरी ख़राब है। अगर बैकअप ना दे तो बैटरी ख़राब है। बैटरी प्रॉपर वोल्टेज ना स्टोर हो तो बैटरी ख़राब है। बैटरी लेवल ना सही से शो करे, मतलब 10% बताए, 20% बताए, अपने मन से फुल हो जाए, डाउन हो जाए, तो बैटरी ख़राब है। तो इन कंडीशनों पर बैटरी हमारी ख़राब है। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों ने सीखा कि बैटरी के बारे में, इन सब चीज़ों को नोट करिए और वीडियो को देखिए, समझिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप जैसे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो मिल सके। और हमारा देखो, हमारा सिखाने का पर्पज़ तभी सॉल्व होता है जब आप वाकई में सीख जाते हैं। अगर आप नहीं सीखते ना, तो मेरा सिखाना और आपका सीखना दोनों व्यर्थ, मतलब दोनों काम पानी पे गया। मतलब आपने अपने समय फूका, हमने अपने समय फूका, लेकिन आप अपने समय और मेरे समय की कीमत को, अहमियत को समझिए और इन सब चीज़ों बातों को सीखिए, समझिए। कोई दिक्कत आती है तो मेरे फिर वही नंबर 6391711711 पर, उस नंबर पर मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम आती है पूछिए, और आप अच्छे सीखिए। थैंक यू दोस्तों।